नमस्कार, मैं हाँ करण ते तरन नाल जुड़ी साड़ी खास पेशकश च अज असी जलंधर के इतिहासिक कस्बा नूरमहल च पहुँचे हुए हैं। इतों के एक इतिहासिक मंदिर के करांगे दर्शन, वेखांगे कि पिछले लंबे समय तो एक किस तरह आस्था का केंद्र बनया होया है। जलंधर जिले का कस्बा नूरमहल जो इतिहास अते सुहप्पन के तौर पर शानदार रुतबा रखता है, भाईचारक सांझ दे प्रतीक नगर नूरमहल च अनेक धार्मिक स्थान ने। इन्हां धार्मिक स्थानों विच्चों एक है मंदिर श्री बाबा भूतनाथ। भूतनाथ मंदिर भगवान श्री भोलेनाथ शिव शंकर का मंदिर है। इस मंदिर च नूरमहल आसपास अते देश विदेशों तो आने वाले श्रद्धालुओं भगतों का दावा है कि भगवान शंकर जी दे इस मंदिर च सच्चे मन नाल कीती गई हर दुआ कबूल हुंदी है अते मनोकामना पूरी हुंदी है। दस्या जांदा साडे पूर्वजां ने जां बजुर्गां ने, जिवें कि अपने बजुर्ग गल करदे आ कि इहदी पूर्ण इतिहास की आ, पूर्व इतिहास की आ इस मंदिर दा जां किसे भी जगह दा। साडे बजुर्गां ने सानूं इह दस्या कि अज तों 6 सदियां हो गईआं लगभग पहलां भगवान भोलेनाथ जी ने किसे भगत दे स्वपन च आ के दस्या सीगा कि मैं इस बोर्ड के दरखत के थले विराजमान हाँ, तो तुसी मेरे साक्षात दर्शन करो। तो इस तो बाद अज का जिहड़ा मंदिर की स्थापना इत्थे होनी चाहिए है। मैं दसना चाहाँगा कि ये मंदिर जिहड़ा इन्ना प्राचीन आ कि बिल्कुल बेआबाद वीरान जगह हुंदी होया करदी सी, क्योंकि नाल ही शमशान घाट जिहड़ी है इस मंदिर दे लगदी है, तो बिल्कुल बेआबाद जिहा इलाका सी। तो कोई समा सीगा कि इत्थे आण लग्गिआं डर लग्गिआ करदा सी। तो उस तो बाद फिर लगभग 50 साल हो गया मंदिर श्री बाबा भूतनाथ कमेटी होंद विच आई, तो उस मंदिर नूं जिहड़ा हैगा आ साडे बजुर्गां ने आहिस्ता आहिस्ता डिवेलपमेंट उहदी जिहड़ी शुरू करन दी शुरू कीती। मैं दसदा वीरान दी मैं गल कीती सी कि इत्थे बोर्ड दा जां पिपल दे जिहड़े दरख्त आ वड्डे दरख्त होया करदे आ, उत्थे चमगिदड़ां दी इन्नी वड्डी तादाद हुंदी सी, इन्नी वड्डी गिनती चमगिदड़ हुंदे सी, इस नूं चमगिदड़ां वाला मंदिर दे नां नाल भी जाणिआ जांदा जी, बाबा भूतनाथ जी दे मंदिर नूं। ते उस दे नाल नाल फिर उहनां लोकां ने पुराने समें दे विच तालाब दा निर्माण कीता, बड़ा वड्डा विशाल तालाब आ, ते तालाब वाले मंदिर दे नां नाल भी जाणिआ जांदा। ते उस तो बाद मंदिर श्री बाबा भूतनाथ कमेटी के जिहड़े पूर्वज साडे सीगे, साडी आस्था जुड़दी गई, तो नौजवान वर्ग हौली 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 नाल जुड़ता जे। तो पिछले 50 साल हो गए, 47-48 साल जो सुनना चाहता कि इतने एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया मंदिर श्री बाबा भूतनाथ कमेटी। उसनों रजिस्टर्ड भी कराया गया। वो बजुर्गों तो बाद अगली पीढ़ी को जो आया तो मैं जितों तक याद आ कि 25-30 साल तो इस कमेटी के श्री राज कुमार महन जी प्रधान ने, तो उन्होंने योग अगवाई दे मंदिर का जिहड़ा सारा देख रेख चल रही है। मंदिर इस तरह जी, काफ़ी साल तो साडा परिवार जिहड़ा इस मंदिर नाल जुड़िया आ। पहले मेरे पिता जी सीगे जयगोपाल मिस्र जी, वो मतलब तकरीबन कह लो कि सारी उम्र ही इस मंदिर दे नाल रहे आ, तो उन्होंने डैथ हुई 2003 तो, उस तो बाद मैं भी इतने का एक्टिव मैंबर बन गया। हूँ पिछले 3-4 साल तो मैं इतने का जनरल सैकटरी की मेरी जिम्मेवारी आ। तो बाकी मंदिर के बारे तो आप पूरे मतलब इस इलाके की बड़ी दूर दूर तक ये धूमा मंदिर दियाँ कि जोड़ा बाबा भूतनाथ जी का दरबार आ, इतने जिड़ा भी कोई आता सच्चे दिल के नाल अज तक कोई भी इतों खाली नहीं जाता, क्योंकि इतने एक बड़ी प्राचीन एक अपनी हैगी परंपरा हैगी है कि महाशिवरात्रि का उत्सव, फिर उस तो बाद जिहड़ा अपना सौन दे महीने का उत्सव, विसाखी का त्यौहार, गोपअष्टमी का, ये अलग अलग टाइम के उत्ते मनाए जाते हैं। और बाबा भूतनाथ जी के दरबार के उत्ते महाशिवरात्रि दे और जिहड़ा सौन का महीना होंदा और जिहड़ा व्रत पूजन आ, उत्थे हज़ारां लखां की तादाद जिहड़े लोग आ वो आ के इत्थे मत्था टेकदे आ। उहदा कारण यह है कि अज तो 20-25 साल पहलां जां जिहड़ा जिद्दां हुण असीं इस साल 47th जिहड़ा आ वो मनान जा रहे हैं महाशिवरात्रि उत्सव, जो साडे बजुर्गों ने चीज़ शुरू की सी उदों सिर्फ 5-7 जने इतों करके तो अपना एक कार्यक्रम शुरू किया हौली हौली, और जिहदा अज एडा भव्य रूप बन गया। वो बनन का कारण यही है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा ही है सारे भगतों के उत्ते, उन्हों की प्रेरणा ही है बाबा भूतनाथ जी की, जिदे करके
उस महाशिवरात्रि वाले दिन इत्थे लखां ही लोग पता नहीं कित्थों आउंदे आ और बिना किसी सिक्योरिटी जां कुछ दे बावजूद बड़ा अच्छा जिहड़ा माहौल हुंदा और लोग इस तरह इस उत्सव नूं मनाउंदे आ कि कोई सुनेहा दे नहीं जाईदा असीं कि पता नहीं दूरों दूरों 100-200-400 पिंडां तों तां अलग बाहरले देशां तों वी जिहड़े भगत आ इहनां दे उह स्पैशल इस मौके दे उत्ते उत्थों इह उत्सव मनाउण आउंदे आ। कन कन महसूस की यह गल है जी, जदों भी तुसी घर चो, मेरा एक तजर्बा आ कि जदों भी घर तुहानूं कोई परेशानी है तुसी इन्हां दे दरबार जाके 5 मिनट बह जाओ तो एक मन नूं एक इदां दी शांति मिलती है कि बंदे नूं एक अंदरों ना पावर जागती है। वो पावर है उस तरह की जागती है कि बंदे नूं लगता कि मेरा काम जिहड़ा अपने आप सही हो जाना, भोलेनाथ दे कोल असीं आ के चले गए हैं। बस यही एक वड्डी अनुभूति आ कि मेरे जीवन च कई बार इदां होया पर मैं आ के इन्हां दे दरबार च बैठा तो उस तो बाद मैंने इदा महसूस होया कि मेरा काम जिहड़ा आ वो अपने आप इन्होंने करता कि उहदे लई मैनू भी कोई एफर्ट्स नहीं करने पाए, सिर्फ आके इन्हां दे कोल बैठना ही पिया और इन्हां नूं कहन दी भी लोड़ नहीं। इदां दा दरबार आ कि बंदा आके इन्हां दे कोल बह के मत्था टेक के चला गया, कोई बोलन दी लोड़ नहीं इस दरबार च कि भोलेनाथ आ करो, वो अपने आप कर गया। पूरी फुल कृपा जी बाबा जी की, असं कुछ 47वां सालाना शिवरात्रि उत्सव मना रहे हैं। शुरू पहले दिन तो ये शुरू किया है, कदे भी इस पैसे की प्रॉब्लम नहीं आई, जो सोचा वो होया। पैसे बारे तो पुछो ही ना, सी एक एक पार्टी पैसा सारा ही चक ली है। तो पार्टी ने सानू इन्ना भी कहता ही शिवरात्रि अगड़ाई ना करो तुसीं, तो फंक्शन सारा पैसा मैं लाऊंगा, तो असीं उन्हें जवाब देता सी वे शहर के बच्चों पैसे इकट्ठे करके शिवरात्रि असीं मनाउणी है। हुण भी वो बार बार सानू यही कह रहे हैं कि पैसे मैं ही लाऊंगा, कदी पैसे कमी है। बहुत कृपा भोलेनाथ की, बाबा भूतनाथ की, गौ माता की फुल कृपा है। पैसे बारे कभी भी सोचे ही नहीं, अपने आप ही पैसे आई जाते। एक बार की गल आ, बहुत टाइम नहीं हो, 4-5 साल की गल ही आ। शाम मैं रैगूलर सवेर शाम मत्था टेकने से इतने आने, शाम मैं ड्यूटी से बिलगे मंडी के झोने का सीजन चल रहा सी, तो रात जो इतों गया मैं अपने आप च डरिया बे मीह हूँ भी आया तो हूँ भी आया। इन्नी काली घटा पूरी छाई हुई सी, भोलेनाथ पूरे अरदास की भी मैं चला आया, मैंने बड़ी प्रॉब्लम उत्थे होगी जे मीह पै गया, तो भाई तुसी जिहड़ा मीह आ पैना नहीं चाहिए इत्थे, जिहड़ा मीह आ बिलकट पा दिओ, फलौट पा दिओ, फलौट लुधियाने शहर च जाके पवाओ। इदां ही होई भी पता नहीं लगा किसे वेले उपर चढ़ गया मीह ते लुधियाने जाके पै गया। मंदिर श्री बाबा भूतनाथ के प्रधान राजकुमार मेहन दिन रात एक करके कई सालों तो शिव भगती और शिव कृपा के पात्र बन रहे हैं। इस दे नाल ही NRI राजू नैयर मंदिर श्री बाबा भूतनाथ के वलों किए जा रहे समाज भलाई के कार्यों में वडमुला योगदान पा रहे हैं। विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीय राजू नैयर अपनी नेक कमाई विचों वड्डा हिस्सा मंदिर बाबा भूतनाथ वालों किए जा रहे समाज भलाई कार्यों में योगदान वजो पाते हैं। राजकुमार मेहन और राजू नैयर की भगवान शिव शंकर जी की अपार कृपा नाल की जा रही लोड़वंदा अते समाज की सेवा मानवता के भले लिए किए जा रहे उपरालों की शलाघा योग मिसाल है। देखो जी, पहला तो जय शंकर, जय भोलेनाथ। साढ़े अपने इतने के जो प्रधान है राजकुमार जी मेहन साहब है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मंदिर वास्ते। जदों के वो मंदिर के नाल जुड़े हुए हैं उन्होंने इतने काफ़ी तरक्की की है और काफ़ी NRI सारे दसिया भी सानू आ चीज़ की जरूरत हैगी है। सो जेडे भी जिन्ना जिन्ना कर सकते असी बाहरों किसी भी कंट्री चो उन्होंने इन्हें हेल्प की है और जेड़ा एक एक पैसा वो भेजते हैं वो एक एक पैसा यह अपने हाथ ही लवाते हैं। वो सानू 100% इन्हें यकीन हैगा है, कई हुंदा है कि कई जगह भेजते हैं तो पूरा लगता नहीं हैगा। तो मैं यही NRI सारे कहूँगा भी किसी भी कंट्री चो जो अपने पूनाथ कमेटी नू पैसा भेजते हैं वो पैसा अपना सब एक एक पैसा पूरा लग रहा है और वो आके भी देखन भी जिस चीज़ लिए भेजते है वो पैसा वो लग रहा। और इसी करके ही मैं इस मंदिर के नाल जुड़िया।
क्योंकि राजकुमार जी मैन साहब जदों दे आए हैं इन्होंने काफ़ी तरक्की की इस मंदिर दे विच। मैं देख रहा सी अज तो 15 साल पहला इन्ना नहीं सी, हौली हौली जो कुछ मंदिर दे विच बन रहा है वह मतलब इन्हां दी बदौलत ही है सारा कुछ जो बना रहे हैं। असीं तो चलो की हुंदे करन वाले, भोलेनाथ की कृपा दे नाल ही सारा कुछ हो रहा। सो इस करके इन्हां दे नाल अच्छे बंदियां दे नाल मतलब जुड़े हैं असीं भी, तो इस करके असीं इन्हां दी हैल्प कर रहे हैं। बहुत खुशी हुंदी है मैनूं इस चीज़ की कि मैं अपने मतलब कि दिलों करना चाहता है कि मैं दिलों करा। हाले कि इन्होंने जी सी वो सिर्फ से कि 20-25 हज़ार रुपया दे दो शिवरात्रि वास्ते, पर नहीं मेरा जो दिलों किया तो मैं इन्हों मतलब अपने वालों ऐलान किया 5 लाख का भी 5 लाख तुम लो, तुम एंबूलेंस लैके आओ। मेरी काफ़ी देर तो यह इच्छा सी कि मैं एक होर सेवा करा कि जिद, क्योंकि इतने ज़्यादा वधिया होस्पिटल नहीं है, क्योंकि जो कई नहीं जा सकते जेडे लैके एंबूलेंस, तो इस करके उन्हों की फ्री सेवा की जाए। और मैं चाहना कि जी उन्होंने वो पक्का ड्राइवर रखा जाए, वो मैन साहब न मैं इन्होंने गल कर लूँगा कि जिनी भी सेवा हो सकती है असी सारी फ्री सेवा करिए कि लोग बद तो बद लोगों की जान बचाई जाए। मंदिर श्री बाबा भूतनाथ के प्रधान राजकुमार मेहन वालों गऊ सेवा उत्तम सेवा अखाण को सार्थक करता जख्मी और बेसहारा गऊं की देखरेख सामभ संभाल का कार्य भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं। मंदिर श्री बाबा भूतनाथ च स्थित गौशाला च जख्मी बेसहारा गऊं का पालन पोषण, इलाज, सेवा, देखरेख बहुत ही सुचजे ढंग निष्काम भाव नाल की जा रही है। गौशाला विच 600 तो वध गिणती च गऊं मौजूद ने, जिन्हां दी सांभ संभाल गौशाला च हाजिर गऊ सेवका वालों राजकुमार मेहन दी योग अगवाई च कीती जा रही है। ये जिहड़ी साडी मंदर भूतनाथ कमेटी है, ये धार्मिक उत्सव के नाल नाल साल के 3-4-5 जिन्ने भी धार्मिक उत्सव बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लै के बड़ी धूमधाम मनाती है, वो नाल दे नाल समाज सेवा लई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदी है। जिदा असी गऊशाला दे विच समाज सेवा लई मोचरी बनवाई आ, फिर साढ़े इतने चैरिटेबल डिस्पेंसरी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चल रही है, फिर बच्चों लिए पार्क बनाए आ। उस आने वाले टाइम के लिए साड़ी इतने असी गरीब लड़कियां दे ब्याह करते हैं, मेडिकल कैंप लाने, अखां दे मतलब गरीबों अखां दे कैंप लाने, तो इस तरह के असी बहुत ही मतलब काम जिद्दां पौधा रोपण करते हैं, बाहर भी करते हैं। इस समाज सेवा दे असी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक नालों भी समाज सेवा दे भी काम असी करदे। जो साडी मेरी अपनी जां मेरी साडी कमेटी की सोच आ कि आने वाले टाइम दे विच इत्थे एक बहुत वड्डी लैब खुली जाए, एक जिद्दां फस्ट मैडिकल दे लई होम्यो खोलिया जाए, हॉस्पिटल छोटा खोलिया जाए, भावें उस दे नाल नाल फिजियोथरेपी सेंटर खोलिया जाए, जिहदे दे कि नाल जिहड़ी लैब और फिजियोथरेपी दे खोलन दे नाल जिदा साडे इलाके का गरीब तबका जां जिहड़ा बंदा कोई भी जिहड़ा बेरोजगार जिहनूं नहीं अफोर्ड कर सकदा वो अपने टैस्ट जिहड़े आ अपना फ्री करा सके, क्योंकि अपनी वह लाइफ जिहड़ी तंदुरुस्ती दी कर सके। तो ये साड़ी सारी कमेटी की ये बड़ी बहुत बड़ी सोच आ। असीं हर भगत नूं कोई भी जिहड़ा भगत आंदा जो भी सेवादार आंदा उहनूं असीं बेनती करदे हां वी साडी इहदे च डोनेशन दे के ते इस तों वध तों वध साडी हैल्प कीती जावे कि जिहड़े असीं इदां दे समाज सेवा दे कम्मां नूं चलांदे रहीए। टीम साडी जिहड़ी आ बहुत वड्डी आ, वैसे तां साडे 250-300 मैंबर आ जिहड़ी जिहड़ी भूतनाथ कमेटी दे, जे एग्जैक्ट मैंबर आ उह 15 वा जिहड़े इस कम नूं 15-20-25 जिहड़े बंदे आ जिहड़े बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदे आ। उह जे वैसे एग्जैक्टिव दी जिहड़ी कमेटी आ उह 50 बंदिआं दी आ साडी, मतलब जिन्नी भी कमेटी के बंदे आ जां 150 बंदा वा जां 50 बंदे आ जां 15 बंदे आ, वह हर एक बंदा बहुत ही उत्साह दे नाल बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदा, तो हर टीम जिहड़ी आ मोढ़े नाल मोढ़ा लैके जुड़दी आ। जिहड़ी ये मैनूं इस ते 25-30 साल हो गया प्रधानगी करदिआं नूं, इस तों पहलां जिहड़े आ साडे मानयोग ओम प्रकाश मैन जी हुंदे सी, उन्होंने भी इस मंदिर चलाने लई बहुत कुछ किया, प्रधानगी उन्हां कोल उन्होंने मैनूं आशीर्वाद दिता, तो फिर मैनूं 95 विच बनाया गया। उस तो बाद मैं लगातार प्रधानगी करदा आया, तो मैनू सारी टीम जिहड़ी आ ना बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा दिंदी आ, मोढ़े नाल मोढ़ा ला के जुड़दी आ। तो जे टीम ना चले तो कभी भी एडे इत्थे उसारियां एडे कम नहीं हो सकते, जे शहर का सहयोग ना मिल सके ना मिलता तो ये कम नहीं होने। बाकी जिन्ना सब तो बड़ा सहयोग NRE का
जिन्ना एन आर ई आ इत्थे सारा एन आर ई इत्थे आंदा मत्था टेकदा उहदी मनोकामना जिहड़ा भी इत्थे शिवलिंग दे सिर चुकांदा उहदी हर मनोकामना पूरी हुंदी है। हर साल शिवरात्रि ते जिन एन आर ई चेचा उत्थों चल के आंदा टिकटां खर्च के आंदा उह अपने इत्थे शिवरात्रि बहुत ही वड्डी मनाई जांदी है। ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਟੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਊ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਸ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ। ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਸ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਈ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਆ, ਵਿਜੇ ਧੀਂਗੜਾ ਜੀ ਆ, ਵਿਜੇ ਹੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਈਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗਿਆ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਵਾ, ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਵਾਂ, 4 ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭੋਲੇਨਾਥ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਦੱਜਣ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ 365 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਦੇਣੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ 365 ਦਿਨ 400 ਗਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆ ਨਾ ਪੂਜਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-7, 8-8 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਦਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਐਡੇ ਕੰਮ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੱਦਰ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਐੱਨ ਆਰ ਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਗਤ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੰਦਰ ਬਾਬਾ ਭੂਤਨਾਥ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ।
सो तुहानूं साडी पेशकश कहो जी लगी तुसीं कमेंट्स विच अपनी राय दे सकते हो, नाल दी नाल अपनी फीडबैक सानूं ईमेल भी कर सकते हो। असीं जल्द ही हाजिर होवांगे नवीं पेशकश दे नाल, उदों तक लई सानूं दिओ इजाजत, नमस्कार।